क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बेसिकली इस दो पुली है और दो स्ट्रिंग यूज हुई है, और हम लोग जो इसको सॉल्व करें बहुत ही अच्छे ट्रिक से सॉल्व करें, जिसका नाम है सिग्मा टी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन और एक्सलेशन इज इक्वल टू जीरो। तो इन तीन दोनों ब्लॉक्स का हमें एक्सलेशन रिलेट करना है, तो मैं इन दोनों ब्लॉक पे टेंशन और एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड देखूंगा डायरेक्शन के साथ। तो पहला वाला ब्लॉक है वो सिस्टम हम लोग का कुछ ऐसा है, एक पुली है और ये पुली यहाँ से ऐसे पास हो गई और यहाँ पे ये सेलिंग से अटैच है और यहाँ से ये आ जाएगा टेंशन टी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये एक ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है। तो अब हम टेंशन इंडिकेट करते हैं और देखते हैं एक्सलेशन किसका किधर है। तो बेसिकली जो ये स्ट्रिंग है वो सेम है, तो इसमें अगर टेंशन टी हुआ तो यही स्ट्रिंग यहाँ भी आई है, इसमें भी टेंशन टी होगा और इसमें भी टेंशन टी होगा। लेकिन इस वाले पुली, इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप तो इस पुली को आप देखो, ऊपर टेंशन टी गया और यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के आवे लगता है टेंशन टी गया, क्योंकि पुली मासलेस है, और नीचे टेंशन टू टी आ जाएगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टू टी आ जाएगा। अब ये जो ब्लॉक फर्स्ट वाला ब्लॉक और ये ब्लॉक सेकेंड है, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो पहले वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे टेंशन टी ऊपर गया और एक्सलेशन ए वन ऊपर जा रहा, मतलब इनमें थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री बना। दूसरे वाले ब्लॉक्स का ये वाला जो ब्लॉक है दूसरा वाला, उस पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन है टी, टू टी ऊपर लगेगा और ये नीचे आ रहा है, तो एक्सलेशन ए टू डाउनवर्ड लगेगा। इनके इन दोनों वेक्टर के भी जो एंगल है वो 180 डिग्री आ गया। तो अब लगा दिया जाए सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो ऑन बोथ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक पे अगर मैं लगाऊं तो पहले वाले के लिए लिखो टी ए वन कॉस जीरो, दूसरे वाले के लिए लिखो माइनस टू टाइम्स टी ए टू कॉस 180 दैट इक्वल टू जीरो। तो ये यहां से तो यह आ जाएगा ए वन माइनस टू टाइम्स ए टू, क्योंकि टी कॉमन था खत्म हो गया, इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू टाइम्स ए टू आ जाएगी। दिस इज द